तो बच्चों ये कह रहा है कि टू साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू एंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक एंगल दे रखा है लेट सपोज 50 डिग्री, है ना, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो ट्राइंगल है इज इक्वल टू द टू साइड ऑफ, ये कह रहा है आर इक्वल टू साइड एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड ऑफ एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। दो साइड है इसकी भी अलग अलग और एक कोई अनदर अनदर एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल भी यहाँ पर अलग हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पर अगर 50 हो जाए और यहाँ पे दो अलग अलग साइड है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसको इसके साथ कॉन्ग्रेंट कर लो? बिल्कुल मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि भाई यहाँ पर क्या है, इस पर कुछ और डिजिट भी तो हो सकती है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं सरासर इसको ना बोलूंगा, ठीक है? सो इट इज नॉट, सो ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, नो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बच्चों मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है ना, ये कह रहा है कि भाई दो ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट, कैसे हो जाएंगे भाई? जो उसमें तो कुछ पता है नहीं कि कितने, कुछ भी तो हो सकता है, एंगल दो साइड हो सकती है, एक एंगल तो है ही, मैं कुछ भी तो डाल सकता हूँ, तो ऐसा 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 नहीं होता कॉन्ग्रेंट, ठीक है? तो ये भी मैं सरासर गलत होगा, तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करता हूँ।